हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, अर्थ, परिभाषा, शिक्षा में इसका महत्व, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण है, ये सभी पढ़े हैं। आज इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं विद्वानों ने किस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नता करी है। यहाँ सर्वप्रथम जो पढ़ रहे हैं वो क्रैशमर के अनुसार पढ़ रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता किस प्रकार करी। इन्होंने जो करी वो शारीरिक बनावट के आधार पर करी। इन्होंने बताया कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक बनावट के आधार पर अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। इसके आधार पर शारीरिक गठन, रूप, रंग, भार, स्वास्थ्य, छोटे लंबे आदि होते हैं। शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने तीन प्रकार के व्यक्ति बताए। पहले इन्होंने बताया एथेस्टिक। इस प्रकार के व्यक्ति का शारीरिक गठन बहुत ही कमजोर होता है। ये दुबले पतले, लंबे और पतले सीने वाले होते हैं। दूसरा जो प्रकार बताया वो एथलेटिक्स। इस प्रकार के व्यक्तियों का शारीरिक गठन बहुत ही अच्छा होता है। सीना चौड़ा होता है, कंधे मजबूत होते हैं और मांसपेशियां कशी हुई और घटी हुई होती है। तीसरा प्रकार बताया इन्होंने पिकनिक। इसके अंतर्गत व्यक्ति मोटे और भारी शरीर वाले होते हैं। इनकी लंबाई कम होती है और मोटाई अधिक होती है। क्रैशमर के आधार पर शेल्डन महोदय ने 1940 में इसी कार्य को आगे बढ़ाया। इन्होंने भी शारीरिक बनावट के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को बांटा, निम्नलिखित भागों में बांटा। इन्होंने भी शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने तीन प्रकार के भेद बताए। पहला बताया एंडोमॉर्फिक, जो मोटे होते हैं, कम लंबाई होते हैं, तेल युक्त शरीर वाले, यानी जैसे हम कहें कि कोई लाला दुकानदार वाला है, किराने की दुकानदार वाला जैसा समान शरीर वाला। दूसरा बताया इन्होंने मेसोमॉर्फी। इनका शरीर शक्तिशाली होता है, गठा हुआ होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है, चौड़ा सीना होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई खिलाड़ी या फिर कोई सेना का सिपाही। तीसरा इन्होंने बताया एक्टोमॉर्फी। इस प्रकार के व्यक्ति लंबे, दुबले पतले, कम चौड़ा सीना, यानी कि हम कहें जैसे किसी गरीब परिवार का एक दुबला पतला सा व्यक्ति। एक और आता है बुद्धि के आधार पर। इस प्रकार का जो भेद है वो स्पेयरमैन ने बुद्धि के आधार पर दो प्रकार से विभाजित करा था, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में बताया था इन्होंने उच्च बुद्धि वाले, जिनमें बुद्धि के विशिष्ट तत्व अधिक होते हैं। द्वितीय बताया था इन्होंने सामान्य बुद्धि वाले, जिनमें सामान्य तत्व अधिक होते हैं। यदि हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का प्रयोग करें तो बुद्धि स्तर के आधार पर हम निम्न प्रतिशत व्यक्त कर सकते हैं। उपरोक्त वक्र के आधार पर
68% बालक औसत बुद्धि वाले, 16% उच्च बुद्धि वाले और 16% निम्न बुद्धि वाले बालक होते हैं। इस प्रकार के बुद्धि स्तर के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। ये बुद्धि के आधार पर भिन्नताएं।